आज के ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए तृतीय वर्ष भूगोल के भारत का भूगोल प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और इस प्रश्न पत्र में हम लोग सिंचाई वाले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने सिंचाई से संबंधित अनेक तथ्यों का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग सिंचाई के साधन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो जब हम लोग सिंचाई की आवश्यकता वाले टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय हम लोगों ने यह भी अध्ययन किया था कि भारत में विविध प्रकार की धरातलीय स्थलाकृतियाँ मिल पाई जाती हैं। धरातल की प्रकृति विविध प्रकार की है। उत्तर भारत में मृदा समतल एवं मुलायम है, जिस कारण से यहाँ पर कुएँ, नहरें, नलकूप खोदना आसान होता है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में विभिन्न प्रकार की कठोर चट्टानें, रवेदार शैलें पाई जाती हैं जो कि अप्रवेश्य होती हैं और वहाँ पर उसके अंदर भूमिगत जल तल काफ़ी नीचे होता है। तो इन कारणों से दक्षिण भारत में तालाब द्वारा ही सिंचाई, तालाब या बांध द्वारा सिंचाई अधिक उपयुक्त होती है और उत्तर भारत में कुएँ, नलकूप, नहर इत्यादि द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब हम लोग आते हैं नहरों द्वारा सिंचाई के साथ। नहरों द्वारा भारत में सिंचाई, देखिए भारत में सिंचाई के साधनों में नहरें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। देश में 1950 से 51 में लगभग 40% सिंचित क्षेत्र नहरों द्वारा सिंचित था, जो 2011-12 में घटकर 32% रह गया। हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलने वाली सतत वाहनी नदियों से नहरें निकालना अधिक उपयुक्त होता है। केवल वर्षा का जल पाने वाली या प्राप्त करने वाली नदियाँ वर्ष भर जल से परिपूर्ण नहीं रहती, अतएव नहरें निकालने के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। दक्षिणी भारत तथा प्रायद्वीप की नदियाँ प्रधानतः वर्षा के जल पर निर्भर होने के कारण नहरों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त नहरों के लिए विस्तृत समतल मैदान होना आवश्यक है, जो कि उत्तर भारत उपयुक्त है इस हेतु, जिसमें नहरों का खोदना सुगम हो जाता है तथा व्यय कम होता है। नहरों की समीप की भूमि पर्याप्त उपजाऊ होनी चाहिए। अगर नहरों के समीप भूमि उपजाऊ नहीं है या ये कहिए नहर के द्वारा सिंचाई उस नहर के क्षेत्र से बहुत दूर करनी हो तो नहर द्वारा सिंचाई या नहरों का निर्माण उतना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि जितने दूर तक नहर जाएंगी खर्च उतना अधिक बढ़ता जाएगा और पानी का वाष्पन, सीपेज, पानी की चोरी इत्यादि कारणों से उद्देश्य हमारा पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो नहरों की सिंचाई के लिए उपयुक्त तो यही होगा कि नहरों के आसपास की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, कृषि उसी क्षेत्र के आसपास होना चाहिए। अगर उस क्षेत्र से दूर अगर ऐसी स्थितियां हैं, कृषि कार्य उस क्षेत्र से दूर कहीं किया जा रहा है, तो नहरों की लंबाई बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी, पानी को बहुत दूर तक लेकर जाना पड़ेगा, इससे वाष्पन की क्रिया होगी, सीपेज की क्रिया होगी, बीच में कहीं चोरी होगी, बीच में नहर कहीं कटेगा, कहीं रख रखाव, अनुरक्षण इत्यादि कई फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये सारी स्थितियाँ ये सब उत्तर भारत में उपयुक्त हैं, क्योंकि उत्तर भारत विशाल मैदान क्षेत्र है, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मैदान से निर्मित है, काफ़ी उपजाऊ भूमि है। तो ऐसी स्थितियाँ में यहाँ पर जो सतत वाहनी नदियाँ हैं उनसे नहरें निकाल करके आसपास की भूमि को ही सिंचित किया जा सकता है। तो ये उत्तर भारत में बहुत उपयुक्त है। नहरों के लिए इस प्रकार की उपयुक्त प्राकृतिक सुविधाएं जो बताई गई, सबसे उपयुक्त है जो क्षेत्र है या राज्य है
वह है पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी उपयुक्त दशाएँ देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं नहरों के प्रकार पर। नहरें दो प्रकार की होती हैं, अनित्यवाही तथा नित्यवाही। अनित्यवाही मतलब इरेगुलर और नित्यवाही मतलब रेगुलर नहरें। ये दो प्रकार की नहरें होती हैं और दोनों प्रकारों की नहरों से भारत में खेती के लिए सिंचाई का कार्य किया जाता है, चाहे नित्यवाही हैं या अनित्यवाही, दोनों प्रकार से खेती का कार्य किया जाता है। अनित्यवाही नदी की बात करें हम लोग, नहरों की बात करें, तो ये केवल वर्षा ऋतु में ही काम में आती हैं। ये केवल वर्षा ऋतु में काम में आती हैं, इनमें बाढ़ का अतिरिक्त जल चला आता है। जैसे जैसे बाढ़ या बारिश होगा तो बारिश का अतिरिक्त जल इन अनित्यवाही नहरों में आ जाता है, जो कि सिंचाई के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। इससे अधिक वर्षा के क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। देखिए, इससे दो प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, पहला ये है कि बाढ़ का नियंत्रण, जब अत्यधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर इस प्रकार के अनित्यवाही नहरों में अतिरिक्त वर्षा का जल ले जाकर सिंचाई का कार्य किया जाता है, तो जल प्लावन होने से क्षेत्र बच जाता है। और दूसरा ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है, जहाँ वर्षा कम होता है वहाँ नहरों द्वारा इसे सिंचाई के लिए काम में लाया जाता है। ऐसी नहरों का उपयोग, मतलब नित्य अनित्यवाही नहरों का उपयोग रबी के फसल के लिए विशेष नहीं है, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में नहरों में जल नहीं होता। अभी बताया गया कि ये वर्षा के दिनों में ही इनका प्रयोग होता है, और रबी की फसल शीतकाल की फसल है, तो शीतकाल की फसल में नवंबर दिसंबर में वर्षा नहीं होती भारत में सामान्यतः। अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में इस काल में वर्षा नहीं होती। जब वर्षा नहीं होगी तो नहरें नहीं निकल पाएंगी, नहरें नहीं होंगी तो सिंचाई कार्य नहीं होगा। तो ये अनित्यवाही नहरें जो हैं शीतकाल की फसलों के लिए अनुपयोगी हैं, जबकि इस काल में या शीतकाल में या रबी की फसल में सबसे आवश्यक होता है फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो जिस समय सबसे अधिक आवश्यकता है उस समय ये उपयुक्त नहीं हो पाती है। नित्यवाही वह नहरें वह हैं जिनको नदियों से वर्ष भर जल मिलता रहता है, नदियों के जल को बांध द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर नहरों में जल छोड़ दिया जाता है। कभी कभी नहरों में जल देने के लिए बड़े कृत्रिम जलाशय भी बना लिए जाते हैं। ये आपका पंजाब एवं हरियाणा के नहरों को दिखाया गया है कि कैसे पंजाब और हरियाणा जल प्राप्त करते हैं सिंचाई के लिए। अब हम आते हैं राजस्थान की नहरों के बारे में। तो पश्चिमी राजस्थान के शुष्क भागों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए 1928 में सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से बीकानेर या गंग नहर निकाली गई थी। इससे बीकानेर डिवीजन की 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है और समस्त नहरों की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। राजस्थान की कुछ प्रमुख नहरें, पार्वती परियोजना भरतपुर जिले में पार्वती नदी पर, गुढ़ा परियोजना बूंदी जिले में मेजा नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर 37,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की परियोजना की जाती है, व्यवस्था की जाती है। मोरेल परियोजना सवाई माधोपुर जिले में मोरेल नदी पर मिट्टी का बांध, जग्गर परियोजना
हिंडौन के निकट जग्गर नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर सिंचाई की जाती है। कालीसिल करौली जिले में कालीसिल नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कालीसिल। मेज बांध भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर बांध बनाकर सिंचाई का कार्य किया जाता है। गंभीरी परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले में बांकली परियोजना सुकड़ी नदी डालोर क्षेत्र में। सरेदी परियोजना माही नदी पर, नमाना परियोजना बनास नदी पर। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राजस्थान की कुछ प्रमुख नहरें हैं, इनमें से राजस्थान नहर भी है जो कि हरि के बांध से निकाला गया है, सतलज नदी से दो चरणों में पूर्ण हुआ है। और चंबल परियोजना भी है, राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है जो कि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कार्य किया गया है। तो हम लोगों ने आज सिंचाई के साधनों का अध्ययन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।